नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज जो इंजेक्शन एमसेप्ट जिसमें साल्ट सेफ्ट्रियोक्सिन आता है, उस इंजेक्शन के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यानी पशु के कौन कौन से रोगों में लगा सकते हैं, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जो ये इंजेक्शन है सेफ्ट्रियोक्सिन साल्ट वाला एमसेप्ट इंजेक्शन, उसको पशु के यानी मेस्टाइटिस हो जाती है। अब एक्यूट और क्रोनिक मेस्टाइटिस में अपन इसको लगा सकते हैं। एक्यूट मेस्टाइटिस पशु में होती है तो उस टाइम हमें उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उस टाइम हमें जब अपन पशु की गादी है उसे जब दूध निकालते हैं तो दूध में क्या, एक तो ब्लड आता है, दूसरा पशु की गादी को अपन जब पालपेट करते हैं हाथ से तो वो दर्द महसूस करती है और गादी बिल्कुल गर्म रहती है, पशु का जो आयन अड्डर है वो बिल्कुल ही गर्म रहता है। ये तो था एक्यूट मेस्टाइटिस के लक्षण। और जो क्रोनिक मेस्टाइटिस होती है उस टाइम पशु को क्या लक्षण दिखाई देंगे, एक तो पशु की जो दूध की जगह उसमें क्या मवाद आने लग जाएगी, साथ में जब अपन उसको गादी को हाथ से पालपेट करेंगे तो उसमें भी उसको क्या होगा, उसमें भी उसको गादी है वो बिल्कुल ही ठंडी हो जाएगी और वो किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं करेगी क्योंकि गादी वो एकदम कठोर पत्थर की तरह हो जाती है। तो ये थे उसमें मेस्टाइटिस के लक्षण कि अपन कैसे उसकी पहचान करें। अब ये मेस्टाइटिस में अपन इसको लगा सकते हैं। अब मेस्टाइटिस में लगा तो सकते हैं लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। एक तो इसको लंबे समय तक कभी भी लगातार हमें पशु में नहीं लगाना है। दूसरा, इसकी जब अपन लंबे समय तक पशु को लगाते हैं तो उसके एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। और इसको इंट्रावेनस ही लगाना है, किसी और रूट से पशु में इसको काम में नहीं लेना है। और साथ ही जो इंजेक्शन है ये मार्केट में 1500, 2000 और 2500 और 3000 mg तक हमें मिलता है। बाकी इसकी जो डोज है वो हमें कंडीशन और पशु की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करनी है। और साथ में इसकी जो अगर रिपीटिंग डोज करना चाहते हैं तो 4 दिन पहले हमें इसको रिपीट पशु में नहीं करना है, उसके बाद भी अपन इसको रिपीट कर सकते हैं। और जितने भी जो मैं मेरे चैनल पे जितने भी जो मैं इंजेक्टेबल जो वीडियो बना रहा हूँ इंजेक्शन के बारे में, जो ट्रीटमेंट के वीडियो बना रहा हूँ, वो सिर्फ नए कंपाउंडर भाइयों के लिए है। वो जो नए कंपाउंडर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए है। बाकी ये जो इंजेक्शन वगैरह है पशुपालक स्वयं ना लगाएं और ये इंजेक्शन है वो पशु चिकित्सक से ही लगवाएं। बाकी जो मैं देसी इलाज बताता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, वो आप पशुपालक है वो स्वयं भी उस इलाज को अपने पशु पर कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले पशु में। तो साथियों, मेरा एक छोटा सा वीडियो एमसेप्ट इंजेक्शन जिसमें सेफ्ट्रियोक्सिन साल्ट आता है उसके ऊपर, अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।